हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीएस पेपर वन का पॉइंट नंबर 8। बहुत दिनों से ये पॉइंट नहीं कवर करा पा रही थी। पॉइंट नंबर 6 और 7 में कवर करा चुकी हूँ, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों के काम की बहुत सारी वीडियोस आती रही हैं और आएंगी इन फ्यूचर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपीएससी मेंस 2018 का रिज़ल्ट आ चुका है, सॉरी प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। मेंस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले वो लोग बधाई के पात्र हैं जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कम से कम एटलीस्ट ये चाहती हूँ कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 मैं यहाँ पर आप लोगों को करा सकूँ और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें अपना। और मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकूँ। जिस लैंग्वेज में मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, वही लैंग्वेज आप लोग भी समझना चाहेंगे। तो इसका हमने पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 कर चुके हैं, आज हम पॉइंट नंबर 8 करेंगे। और काफ़ी लेंथी पॉइंट है ये, और इसको मैंने कई सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी स्कोर कवर करता है एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी टॉपिक है, क्योंकि उसमें भी ये पेपर, ये निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमिक्स के पेपर में भी ऐड होता है। तो ये वहाँ के लिए भी काम आएगा। मेनली इसकी अवधारणा क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सब उसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ से ये टॉपिक उसमें भी आप कवर कर सकते हैं पेपर इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या हमारे पास टॉपिक्स हैं और क्या सब टॉपिक्स हैं, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा ये पॉइंट नंबर 8 है, एज इट इज़ ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर प्रभाव। तो ये प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। इसके संबंध में जितने भी इश्यूज़ हैं हम उसे यहाँ पर कवर करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा को ही नहीं समझेंगे, उसका अभिप्राय ही नहीं समझेंगे, उसके अंदर डेप्थ में जो सब टॉपिक दिए हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए मैं आपको अपनी विषय सूची दिखाती हूँ, जिस आधार पर मैंने ये कैटेगराइज किया है इसकी सूची, जो इसका सिलेबस हम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसमें उदारीकरण की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे कि उदारीकरण होता क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके उद्देश्य क्या थे भारत में लागू करने के लिए, क्योंकि मेनली यहाँ पर जो बात हम करेंगे सिर्फ भारत के संदर्भ में करेंगे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का भारत से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। सरकार द्वारा इसमें उठाए गए क्या क्या कदम थे उदारीकरण के लिए वो देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 1991 में जो सोशल रिफॉर्म हुए थे, इकोनॉमिक्स जो रिफॉर्म हुए थे उसके अंदर ये कदम उठाया गया था, उदारीकरण का, निजीकरण का और वैश्वीकरण का। निजीकरण की अवधारणा के बारे में जानेंगे और निजीकरण का क्षेत्र कौन कौन सा है वो देखेंगे, कि उस टाइम में कौन कौन से जो हमारे बैकग्राउंड थे वो निजीकरण के अंतर्गत रखे गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्वीकरण की अवधारणा के बारे में, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन के लाभ क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे। सॉरी, ये डबल रिपीटेड है, ग्लोबलाइजेशन के लाभ। यहाँ हम देखेंगे भारत के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण भारत के संदर्भ में इसकी मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के भारतीय समाज पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इसका, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो या सोशल, क्या इफेक्ट पड़ा है उसका भारत पर और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही आए। क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको करने को आएगा तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वहाँ पर बताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। तो उदारीकरण की अवधारणा होती है कि जैसे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जो आर्थिक नीतियां होती हैं जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उसमें से कुछ प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, उन्हें शिथिल कर दिए जाते हैं, मतलब कि आर्थिक सुधार की दिशा में ये जो उदारीकरण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके अंतर्गत जैसे निम्न निगम कर, घरेलू और विदेशी पूंजी पर अल्प प्रतिबंध होता है, श्रम बाजार की लोचशीलता आदि को शामिल किया जाता है।
अगर हम इजी वे में और एक डेफिनेशन के थ्रू बात करें तो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों जैसे परमिट, लाइसेंस, रक्षक कर, कोटा आदि को अगर हटा लिया जाता है उद्योगों पर से या फिर जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ये सरकार द्वारा अगर हटाया जाता है काफ़ी नियंत्रण, जैसे कि पहले लाइसेंस नीति थी कि मतलब कि लाइसेंस उद्योग शुरू करने से पहले कुछ उद्योगों शुरू करने से लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन जब 1991 में उदारीकरण की नीति आई तो वो लाइसेंस की नीति हटा दी गई थी। तो ऐसे ही सरकार द्वारा जो भी अनावश्यक नियंत्रण होते हैं या प्रतिबंध होते हैं, और वो जो डेफिनेशन है नियंत्रण और प्रतिबंध की वो दी हुई है परमिट, लाइसेंस, रक्षक कोटा और रक्षक कर और कोटा, ये सब हटाना ही उदारीकरण की अवधारणा के अंतर्गत आता है। इसमें हम बात करें कि 1991 से पहले जो सरकार ने कई प्रकार के नियम लागू किए थे, उनमें से कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसी फर्म को शुरू करने और विस्तार करने अथवा कोई भी अगर नई वस्तु का उत्पादन करना होता था, उद्यमियों को लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार को उन्हें पेपर सबमिट करने पड़ते थे, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ता था, और लाइसेंस लेने के बाद ही वो नए उद्योग या फर्म को शुरू कर सकते थे या फिर कोई नई वस्तु बना सकते थे। और इसका क्राइटेरिया काफ़ी हार्ड था, हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए बनाए गए थे, बहुत ही कठोर प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता था। लेकिन 1991 के बाद से जब नई आर्थिक नीति आई तो इस पर उदारीकरण पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया, जिससे उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति थे उसे उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता हुई, और इस प्रकार लोगों को रोजगार भी मिला और लोगों की क्रय शक्ति में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो होप आपको उदारीकरण समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसको इजी वे में आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख के एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उद्देश्य उदारीकरण के, जब उदारीकरण 1991 में लागू किया गया तो इसके क्या क्या उद्देश्य सरकार ने निर्धारित किए थे। तो इसमें जो था कि शक्तियों के आधार पर संचालन होने लगा था, मतलब कि सभी देशों ने व्यापार और वाणिज्य पे लगे कठोर प्रतिबंध को सरल और सुगम बनाने का यहाँ प्रयास किया था। मेनली हम इंडिया की बात करते हैं तो जो भी उद्योग और व्यापार थे उसमें जो प्रतिबंध लगे थे उसको यहाँ सरल बनाने का प्रयास किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए कि अगर हम ये नीति लागू करते हैं तो इन इन उद्देश्यों का पालन होगा। सबसे पहला उद्देश्य था ऋण भार में कमी। जो भी सरकार के ऊपर कर्जा था विदेशों से और देशों से, जो भी कर्जा था वो यहाँ पर उदारीकरण की नीति लागू करने के बाद ये कम हो जाता, क्योंकि जब बहुत सारे उद्योग बिना लाइसेंस, बिना रक्षक कर या कोटा के समाज में आने लगते, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रोजगार ज़्यादा मिलेंगे, तो जितना भी ऋण होगा भारत के पास वो चुकाने में ज़्यादा आसानी रहेगी उदारीकरण के कारण। तो ये उद्देश्य पहला एक लगाया गया था। नेक्स्ट उद्देश्य था ऑब्वियस है, उद्योगों को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इंडस्ट्रीज में आए, देश में आए, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, ये नेक्स्ट उद्देश्य था। आगे थर्ड उद्देश्य है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। अगर मान लो कि नियंत्रण कम होगा या प्रतिबंध कम होगा तो कोई भी विदेशी कंपनी जिसको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा भारत में, तो विदेशी निवेशों को यहाँ पर प्रोत्साहन देना ये उदारीकरण का एक मेन उद्देश्य शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिक प्रतियोगिता पर बल देना, मतलब कि बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जो आपस में अगर प्रतियोगिता करते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आता है। अगर मान लीजिए लाइसेंसिंग नीति या रक्षक कोटा कर ये सब लागू रहता तो कुछ जो मेन है, जो ये क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हैं, सिर्फ वही उद्योग इंडस्ट्रीज में रहेंगे। बट अगर ये लाइसेंसिंग नीति हटा दिया जाए तो जो भी छोटे उत्पादक हैं या छोटे उद्योग हैं वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनके साथ कंपीट कर सकते हैं बड़े उद्योगों के साथ, और वो लोग भी, अब इससे क्या होगा, इससे लोग अच्छी से अच्छी वस्तु बाजार में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, एक ही वस्तु को बनाने वाले कई उद्योग हो जाएंगे, तो इससे प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इसको बल मिलेगा, और प्रतियोगिता अगर होती है जहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छी वस्तु निकल कर आती है सामने। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयात पर बल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयात पर बल दिया जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु या मशीनरी की कमी हमारे देश में
महसूस की जा रही है या फिर जो भी चीजें देश में कम होंगी उसका ज्यादा से ज्यादा आयात किया जाएगा, क्योंकि लाइसेंसिंग नीति हट गई थी, कर हट गया, कोटा हट गया, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी जरूरत की वस्तुएं आयात कर सकते थे विदेशों से, और आंतरिक जो व्यापार होता था उसमें भी आयात को बढ़ावा मिलेगा। इसमें साथ में आप लिख सकते हैं कि निर्यात को भी बल मिलेगा। ये एक पॉइंट मैं यहाँ पर छूट गया लिखना, मैं आपको ओरली यहाँ समझा देती हूँ कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात यहाँ पर अन्य देशों में किया जाएगा, क्योंकि उदारीकरण की नीति लागू हुई है और उदारीकरण की नीति का मेन उद्देश्य यही है कि निर्यात पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाए। अगर यहाँ पर जो बाहर जाने के लिए निर्यात कर लगाया जाता है उसमें कमी होगी तो फिर इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडस्ट्रीज़ को। तो ये उद्देश्य हमने किए। नेक्स्ट, तो आज हमने दो टॉपिक देखे कि उदारीकरण क्या है और इसके उद्देश्य क्या सरकार ने तय किए हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि उदारीकरण के क्षेत्र में, मतलब उदारीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, जल्द ही मैं इसकी सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी सारी वीडियो लेटेस्ट देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।